Dear students, there have been different ways and there are different ways to know the uh, population components, to understand the population indicators, to understand the measurement of population. We have a lot and population growth rate. That is one of the very biggest indicators when we have country. अब पॉपुलेशन को uh, महैया करना चाहते हैं उसको जानना चाहते हैं उसके डिफरेंट डायनामिक्स जो है वो जो, अगर उसके डिफरेंट डायनामिक्स जो है वो हम जानना चाहते हैं और uh, जब भी किसी कंट्री की सोशल एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी तो उसमें ख़ास तौर पे उस कंट्री के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के ऊपर बात की जाएगी कि वाट इज़ दी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ दैट कंट्री वाट वॉज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ दैट कंट्री डेक अगो और जब आपके पास पीछे के फिगर्स होंगे जब आपके पास मौजूदा एक स्टेटिस्टिकल फ़िगर जो है वो आपके पास होगा तो आपके पास एनालिस्ट दी रिसर्चर्स दी पीपल फ्रॉम हु आर वर्किंग ऑन द पॉपुलेशन स्टडीज एंड एंथ्रोपोलॉजी के लोग और डेमोग्राफिक्स जो होते हैं दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इफ़ देर देर दे विल सी चेंज अ बिग चेंज इन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ एनी कंट्री सो Uh, माजी में अगर अगर आप अगर ग्रोथ रेट होगा हमारे पास और आज का ग्रोथ रेट होगा सो देन दे बी एबल टू सी द ट्रेंड्स द रीजन द कॉजेज वाई सच पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का जो एक विजिबल फ़र्क है वो हमें जो नज़र आ रहा है तो लेट्स टॉक अबाउट मैं आपको आज बताती हूँ कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है आसान जबान में विदाउट प्रिटी मच गोइंग इन टू दी स्टेटस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स मैं आपको सिंपल वे में इसको बताने की कोशिश करती हूँ देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को आपने समझना है ये एक एवरेज रेट ऑफ चेंज है किस चीज का चेंज है इट अ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अगर पॉपुलेशन के साइज uh, में फर्क है तो इसको हम पॉपुलेशन एवरेज uh, जो है रेट ऑफ चेंज है तो उसको हम ऑफ पॉपुलेशन साइज उसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहेंगे इट इज यूली एक्सप्रेस इन परसेंटेज हम परसेंटाइल में इसको मालूम करते हैं फॉर एग्जाम्पल फो परसेंट हमारा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है फाइव परसेंट है तो परसेंटेज के अंदर जो है वो इसको मालूम किया जाता है स्टेटिस्टिक्स के जो लोग हैं मैथेमेटिशंस जो होते हैं ये जो लोग हैं हर गवर्नमेंट जो है इनकी एक्सपर्टीज लेती है डिफरेंट वेज इस्तेमाल करती है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को जानने के लिए पाकिस्तान स्टेटस्टिकल ब्यूरो जो है पॉपुलेशन प्लानिंग के साथ यहाँ पे बड़ा क्लोज काम करता है जब हमने अगर पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में आपसे बात करूँ तो हमने यहाँ पे पॉपुलेशन को हमने माहिया जो है वो करना है तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मह करते हैं हाउ अब ये करता क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का जो प्राइम काम है द द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज़ टू इस हाउ फास्ट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज चेंजिंग किस तेजी के साथ पॉपुलेशन के साइज के अंदर तब्दीली आ सकती है आप ये तब्दीली अगर साइज के अंदर देखना चाह रहे हैं तो ये भी वे में हो सकती है पॉपुलेशन कम भी हो सकती है पॉपुलेशन ज्यादा भी हो सकती है एनुअल रेट ऑफ द पॉपुलेशन चेंज इन पाकिस्तान इन टू परसेंट अगर हम सिर्फ पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में बात करें तो हमारा जो एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज है वो टू परसेंट और इसके नीचे बिल्कुल आप देखें जीरो पॉइंट थ्री फाइव विच इज वेरी मच लेस वहाँ पे जो पाकिस्तान के मुकाबले में एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज ऑफ यू एस इज़ जीरो पॉइंट थ्री फाइव अब देखें ये ही वो सारी चीजें हैं पावर अगर हम पॉपुलेशन डायनामिक्स और की बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को जानने से ही हम प्रोजेक्शंस कर सकते हैं हम प्रडिक्शंस कर सकते हैं आज के ग्रोथ रेट को देखते हुए दुनिया के डिफरेंट मॉलिस के ग्रोथ रेट को देखते हुए कि आने वाले दिनों में क्या होगा सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ प्रोजेक्टेड अब इसकी प्रोजेक्शन है आज के ग्रोथ रेट को देखेंगे तो ये ग्रो करेगी टू एट पॉइंट फोर बिलियन बाय ट्वेंटी थर्टी सिर्फ आने वाले आठ से दस सालों में ये साढ़े आठ बिलियन जो है वो हो जाएगी एक बिलियन में आम जबान में आपको समझाऊँ तो सौ करोड़ होते हैं तो देखें किस तेज़ी के साथ हम बढ़े हैं रिस्पाइट ऑफ द फैक्ट्स मैंने भी आपको बताया अभी कि कई कंट्रीज जो हैं वहाँ पे पॉपुलेशन अब कम भी हो रही है बिकॉज दे रियली आर इन रेस ऑफ कैचिंग दास्ट लाइफ और ये अपू एटीन परसेंट ऑन दी सेवन पॉइंट ये अट्ठारह परसेंट ज्यादा होगी बिकॉज आज सेवन पॉइंट टू बिलियन तकरीबन सात साढ़े सात के दरमियान जो है वह हम फॉल करते हैं अगर हम टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें द हाइस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अब देखें ये एक चेंज जो है वो नज़र आएगा इट विल कॉन्टिन्यू टू बी इन द डिवलपिंग रीजन्स अकाउंटिंग फॉर द नाइनटी सेवन परसेंट ऑफ द इंक्रीज इन ट्वेंटी थर्टी अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आपके डिवेलपिंग रीजन्स हैं इसके साथ अगर मैं अंडर डिवेलप्ड का वर्ड भी जो है वो एड कर लूँ तो अब आपके जो डिवेलप्ड रीजन है इसका मतलब वहाँ तो पॉपुलेशन में इजाफा नहीं हो रहा अब दुनिया में जितना तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है उसकी जो अकाउंटेबल हैं वो हमारे डिवेलपिंग और अंडर डिवेलप रीजन्स होंगे और नाइन्टी सेवन फीसद तक जो है ये इजाफे का बायस बनेंगे दुनिया में आ, हमारे जो अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड डिवेलप्ड हैं द वर्ल्ड डेवलपिंग रीजन्स है। जो हैं अब ये जो दुनिया के डेवलपिंग हैं अब इसके अंदर पाकिस्तान भी है इसके अंदर इंडिया भी है इसके अंदर मलेशिया भी है इसके अंदर बांग्लादेश भी है ठीक है फिर आपके जो वैसे पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में जब हम पाकिस्तान के सोशल एंड इकनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हैं तो समाइम्स जो हा, हा, हमारे जो माहरीन है वो इस बात पर मुतफिक नहीं होते कि हम अभी डिवेलपिंग में हम तो अभी भी हंडर डेवेल्प के अंदर कई चीज़ों के अंदर जब तो हमारे सोशल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स देखे जाते हैं हम अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर जो है वो फॉल करते डिवलपिंग के अंदर वन हैज़ टू सी द प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस इन ऑल द इंडिकेटर्स और हमें हर इंडिकेटर के अंदर प्रोग्रेस नजर नहीं आती अभी तक हम लोग प्राइमरी एजुकेशन को जो है वो एनरोल नहीं कर सके अगर मैं आपसे एग्जाम्पल की बात करूँ एनीट द वर्ल्ड डेवलपिंग रीजन जो कि मैंने आपको बताया नाइन्टी सेवन परसेंट तक जिम्मेदार होंगे आने वाले कुछ सालों में दुनिया की आबादी को साढ़े आठ बिलियन के करीब ले जाने में दे विल सी वन पॉइंट टू बिलियन पीपल एड एड एट ट्वेंटी पॉइंट सेवन इंक्रीज बीस चार या सात फीसद इंक्रीज के हिसाब से एक 1.2 बिलियन लोग कुछ ही अरसे में दुनिया के अंदर मजीद ऐड हो जाएंगे बिकॉज ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन इज विजिबल इन द डेवलपिंग एंड अंडर डिवेल्प रीजन वाइल द पॉपुलेशन ऑफ द डिप कंट्री इंक्रीज अर थ्री पॉइंट थ्री एडिंग फोर फोर्टी वन बिलियन टू द्रंट वन पॉइंट थ्री बिलियन पीपल देखें अब ये आप वॉट अ सिग्निफिकेंट चेंज डिवेलप रीजन जो हैं सिर्फ अमेर बड़ी मुश्किल से थ्री पॉइंट थ्री एड करेंगे थ्री परसेंट लाइक तकरीबन 41 वन मिलियन सिर्फ ऐड करेंगे जैसा कि मैं पहले भी इस पर बता चुकी हूँ बिकॉज दी दी बर्थ रेट इज़ प्री मच लो इट इज़ वेरी लो इन अ कंट्री लाइक जापान इन अ कंट्री लाइक यूरोपियन कंट्रीज जर्मनी और इस तरह के आपको इंग्लैंड में और बहुत से के अंदर ये मसाइल जो हैं वो आपको नजर आएंगे